A very good morning to all my dear students. Today I am going to class 8. Welcome you in my class based on mathematics. Today we will discuss represent the given rational number on the number line. मतलब किसी rational number को number line पर represent कैसे करते हैं. अगर हमें किसी rational number को number line पर represent करना है तो उसके three cases होते हैं. फर्स्ट के फ्रैक्शन को हम लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर. वी हैव थ्री केसेस व्हेन वी विल वांट टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. तीन केसेस बनते हैं. फर्स्ट केस व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो उसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में हो सकती है या माइनस वन और जीरो के बीच में हो सकती है. अब इस पर कोई बेस्ड एग्जांपल लेकर के चलते हैं. वन अपॉन थ्री. इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू वन एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू थ्री. सो न्यूमरेटर इज लेस देन वन इज लेस देन थ्री. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. अगर इस टाइप के क्वेश्चन को वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ओ पॉइंट एंड राइट जीरो. अब ये देखो कि ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है या नेगेटिव. इट इज पॉजिटिव फ्रैक्शन. अगर पॉजिटिव है तो वो जीरो और वन के बीच में होगी. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आता है तो अब ये देखो कि इसकी वैल्यू जो होगी वन अपॉन थ्री की वो जीरो और वन के बीच में आएगी. तो यहां जीरो और ये वन और ये टू और इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम नेगेटिव वैल्यू. इट मींस माइनस वन. अब इसमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये नीचे की वैल्यू है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमें कितने पार्ट करने. तो नीचे क्या है डिनोमिनेटर थ्री. इट मींस जीरो और वन के बीच में हमें थ्री पार्ट्स करने हैं. थ्री इक्वल पार्ट्स. तो इसके जीरो और वन के बीच में थ्री इक्वल पार्ट्स करो. और फिर न्यूमरेटर कितना है वन. अगर न्यूमरेटर वन है तो ये फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट तो ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन थ्री और ये टू अपॉन थ्री और वन मींस थ्री अपॉन थ्री. अब आपको इसमें रिप्रेजेंट क्या करना है वन अपॉन थ्री. तो इट मींस फर्स्ट पार्ट. तो इसको एरो कर दो. ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन. इसमें अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेके चलते हैं माइनस वन अपॉन थ्री को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये वैल्यू जो बिटवीन माइनस वन और जीरो के बीच में. जब कभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो वो जीरो और वन के बीच में लाई करेगी वैल्यू. और अगर वो नेगेटिव वैल्यू है नेगेटिव फ्रैक्शन तो वो माइनस वन और जीरो के बीच में लाई करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इन लाइन एंड राइट जीरो. तो ये माइनस वन और जीरो के बीच में लाई करेगी. तो इसके जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू होती है और जीरो के राइट में पॉजिटिव वैल्यू. तो इसमें वही करना है जो पहले किया था कि इसके डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग पार्ट्स करने. डिनोमिनेटर कितना है थ्री. तो माइनस वन और जीरो के बीच में आपको थ्री इक्वल पार्ट्स करने हैं. थ्री इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो ये माइनस वन अपॉन थ्री, ये माइनस टू अपॉन थ्री और माइनस वन का मतलब माइनस थ्री अपॉन थ्री. अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है माइनस वन अपॉन थ्री. तो ये वन अपॉन थ्री है, इसको एरो लगा दो तो ये रिप्रेजेंट हो गया. सेकंड केस केस नंबर टू वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.